जैन दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लाइफ टेक के KB03 प्रीमियम कीबोर्ड की, जो कि इंस्पायर्ड बाय मैकेनिकल कीबोर्ड बोल सकते हो या सेमी मैकेनिकल बोल सकते हो आप। ये एक्चुअल में होते मेम्ब्रेन ही है, बट इनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड की फील आए। तो ये आता है एक अमेजन की आउटर पैकेजिंग में, अंदर ऐसा ही एक ऊपर से एक फ्लिमजी सा पैकेट होता है। एंड बिना बकवास के देख लेते हैं बॉक्स पे क्या है। बॉक्स पे है एक पिक्चर, लाइफ टेक की ब्रांडिंग एंड ये सब, एंड एक मियाँ भाभी का फोटो एंड एंटी गोस्ट कीज डिज़ाइंड फॉर ग्रेट की फील, क्राफ्टेड विद स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स, रगेड मटेरियल, इंक्रेडिबल टाइपिंग एक्सपीरियंस। ऊपर की तरफ है टेक्नोलॉजी एट द स्पीड ऑफ लाइफ। स्पीड ऑफ लाइफ वैसे काफ़ी स्लो होती है, लाइट होता तो कोई बात था, बट को लिखना था तो कुछ भी लिख डाला है। एंड यहाँ से थोड़ी सी प्लास्टिक जो है फटी हुई है, शायद जॉनी भैया आए थे। पीछे की तरफ देख लेते हैं हम, तो क्या है? मैं रखा ही क्यों हूँ, तो हटा ही देते हैं हम। एंड पीछे की तरफ वही सामने की तरफ जो बकवास दी थी, मतलब जो भी कान की बातें दी हुई थी, वो अर्गोनॉमिक डिज़ाइन, रेज कीज, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड वही चीज़ रिपीटेड है इधर, एंटी गोस्ट की जो डिज़ाइन फॉर ग्रेट की फील सामने भी था, जो भी है वही रिपीटेड है। मुद्दे की बात यहाँ पे है, प्राइस लेगा 1499। ये 1499 लिखा है, ये अराउंड 750-800 रुपीज़ का आता है। एंड अभी ये ऑफर में चल रहा है अमेजन पे अराउंड 600। तो देख लेते हैं कीबोर्ड कैसा है, शुड यू बाय इट और नॉट। अंदर दिया है सेफ्टी के फोम्स, अच्छी क्वालिटी के फोम्स हैं, सेफ्टी का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। शेट हाँ, तो सेफ्टी, सॉरी थोड़ा सा भूकंप आ गया था, सेफ्टी का अच्छा खासा ध्यान ये रखा गया है। बबल रैप भी अच्छा है आपका। बॉक्स में और कुछ नहीं है, उसको रखते हैं साइड में। देख लेते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड ऊपर देखना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट पहले हम देखेंगे पीछे की तरफ। पीछे एडजस्टेबल स्टैंड काफ़ी हार्ड है, बट अच्छी बात है, जल्दी टूटेंगे नहीं। इनग्रिप करने के लिए ये चार पॉइंट्स पे आपके रबर दिए गए हैं, आप इसको एक्चुअल बिना स्टैंड के भी यूज़ कर सकते हो। रीज़न थोड़ा सा ये आप देखोगे तो ये स्लांट जैसा कर्वी स्लांट है कीबोर्ड का, साइड से भी देखो आप तो कर्वी स्लांट है थोड़ा सा कीबोर्ड का। एक्चुअल में ये कीज थोड़ी ज़्यादा रेज्ड हैं, नॉर्मल आपके जो कीबोर्ड आते हैं उनका जो स्लांट होता है वो लाइक ऐसा होता है, सूप है यानी कर्व्ड है थोड़ा सा, लाइक बीच की जो ASDF ये वाली जो होम रो कीज हैं वो थोड़ी सी दबी हुई हैं अंदर की तरफ, एंड बाकी वो ऐसे ऊपर की तरफ फूटी हैं, इधर वाली थोड़ी सी और ऊपर की तरफ फूटी हैं। पीछे ये यहाँ पे आप जो पोर्ट देख रहे हो, ये रेस्ट लगाने का भी एक ऑप्शन आता था, मतलब ये रेस्ट के साथ भी आता था कीबोर्ड पहले, मैं नहीं ले सका, उसमें जो लोग ले पाए हैं वो काफ़ी भाग्यशाली हैं, बट बिना की रेस्ट के भी ठीक है कीबोर्ड। कीबोर्ड लाइक इतना स्टर्डी कीबोर्ड अभी तक मैंने मेम्ब्रेन में तो आज तक कभी लाइफ में देखा। एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हैवी है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक स्टर्डी फील हो रहा है भी काफ़ी ज़्यादा। एंड ये गेमिंग केबल बोल रहे थे, ये केबल मोटी है बस, तो गेमिंग केबल हो गई। एंड ये गोल्ड प्लेटेड USB है, जो कि अच्छी बात है। कीबोर्ड का साउंड सुना देता हूँ आपको मैं, फर्स्ट लुक के बाद लाइक अगर प्रोज की बात करें तो इसमें बस प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्स कोई नहीं है। मैं ऐसे तो रिकमेंड नहीं करता सेमी मैकेनिकल, मैं रिकमेंड यही करता हूँ आप मेम्ब्रेन ही ले लो। मेम्ब्रेन को इधर भी बहुत ही ज़्यादा लाइक बैड लाइट में रखा गया,
वो उतने ख़राब होते नहीं जितना ज़्यादा लोग उनको बोलते हैं मैकेनिकल को प्रमोट करने के चक्कर में। मेम्ब्रेन ही मैं स्टार्ट किया था यूज़ करना, हम सभी स्टार्ट किए होंगे मेम्ब्रेन ही, इतने भी वो बुरे नहीं होते हैं, ना टाइपिंग एक्सपीरियंस इतना बुरा होता उनका। बट सेमी मैकेनिकल मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं सेमी मैकेनिकल की, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसमें थोड़े और पैसे आप डालो तो आप मैकेनिकल ख़रीद लो। बट ये जो सेमी मैकेनिकल, इसको मैं रिकमेंड ईजी कर सकता हूँ कि ये प्राइस पॉइंट इसका जो है ना थोड़ा ही ज़्यादा है मेम्ब्रेन की, जो नॉर्मल कीबोर्ड्स आते हैं उनसे। एंड आपको फंक्शन के सारे दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे कैलकुलेटर खुलेगा, एंड ये स्क्रीन लॉक है, होम स्क्रीन पे जाने के लिए होम बटन है ये आपका, एंड WSD पे आपके एरोज मार्क्ड हैं। ये गेमिंग कीबोर्ड है, ऐसा कंपनी बोलते हैं ना, एक्चुअल में ये गेमिंग का आपको करा सकता है अच्छा से। तो 600 में अभी जो इसकी प्राइस है, हाँ ये बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है 600 में। ये वो लोग जो सोच रहे थे बाय करने का मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही अभी पैसे बचाने के लिए थोड़े, तो वो थोड़े से और पैसे लगा करके ये ले सकते हैं, कुछ दिन बाद वो मैकेनिकल ले सकते हैं। एंड जो साइलेंट ऑपरेशन चाहते हैं, जिनको मेम्ब्रेन ही चाहिए, तो वो भी ये ले सकते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी हो या डिज़ाइन वॉइस हो, ये कीबोर्ड मेरे को बहुत पसंद आया, इसको 10 out of 10 हर चीज़ के लिए, लाइक केबल से ये, अगर आपका PC ऐसे रूम में है जहाँ पे आपके साथ कोई और भी रूम शेयर करता है, तो ये आपको मेम्ब्रेन तब आपको लेना पड़ता है, तब आप ये ले सकते हो। लाइक आपको गेमिंग का मैकेनिकल का लुक भी देगा अच्छा, एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, की सॉफ्ट है काफ़ी। अगर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड लेने का सोच रहे थे तो आप ये बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप मैकेनिकल लेने का सोच रहे हैं तो अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है रेड गियर के शैडो एम्यूलेट पे, उसका भी रिव्यू है चैनल पे, तो वो जाके देख लें, वो काफ़ी अच्छा है। और बाकी सारे लोग जो मैकेनिकल नहीं लेना चाहते अभी, अभी लेना चाहते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड, रीज़न कुछ भी हो सकता है, साइलेंट ऑपरेशन या कुछ भी, या लाइक बजट का इशू हो सकता है, वो ये डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन कीबोर्ड है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। गुड बाय।